आजकल मध्य प्रदेश के अंदर हम एक दौड़ देख रहे हैं और वो दौड़ है हिंदू बनने की दौड़, हिंदू बनने की दौड़। अब कमलनाथ जी जो हैं वो बार बार कहते हैं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, लेकिन उनका एक डायलॉग है, कहते मैं हिंदू तो हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, ये बीजेपी वाले हिंदू हिंदुत्व के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता वो जोर दे के बार बार क्यों कहते हैं मैं बेवकूफ नहीं हूं। देखिए, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास है हमारा, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं अद्भुत है। सचमुच में यह धरती है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, अयम निजम परा बेत्ती गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है, अद्भुत देश है। और सनातन क्या है वो उनसे पूछें, पहले तो हिंदू नाम लेते थे तो जैसे बैल को लाल कपड़ा दिखा दिया हो उखड़ जाते थे, हिंदू कह रहे हो, जैसे हिंदू कहना अपराध, हिंदू कहना सांप्रदायिक हो गया था, राम काल्पनिक है, मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, कितनी बातें करते थे। लेकिन एक सांस्कृतिक धारा ऐसी बही, क्योंकि मैं आज भी मानता हूं हिंदू तो संकीर्ण कतई नहीं है, सनातन संकीर्ण नहीं है, साकार को मानो तो ठीक है, निराकार को मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक है। अब देखिए कितनी विशालता है विचारों की, एकम सद विपरा बहुदा बदंती, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग विचारों का आदर करने वाला, तो गर्व करने लायक हमारी परंपराएं जो सारे दुनिया के कल्याण की बात करते हैं। पहले चिढ़ते थे, अब जब धारा बदली, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करूंगा, मैं उस सांस्कृतिक धारा में लगे हुए संतों का अभिनंदन करूंगा, सामाजिक कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करूंगा, संघ का अभिनंदन करूंगा कि धारा ऐसी बही कि पूरा देश एक दिशा में मुड़ गया, और जब लगा कि अब हिंदू कहने पर ही वोट मिल सकते हैं तो वो लोग जो राम का नाम लेके नाराज हो जाते थे, आजकल वो राम नाम की माला जप रहे हैं, हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ रहे हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, पहले कहां थे वो। कहते हैं हमें बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हिंदू होने के लिए, कमलनाथ जी कहते मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मुझे बताएंगे हिंदू होना क्या होता है, प्रियंका जी आती है वो नर्मदा जी की आरती करती है। ये अद्भुत है ये लोग, हम का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन ये क्या है कई बार मुझे समझ में नहीं आता। राहुल जी कई बार जनेऊ पहन लेते हैं और कई बार लालू यादव से मीट बनाना सीखने निकल जाते हैं, वो तो देखा हमने फोटो में, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब मुझे तो लगता है मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता कि क्या है, नकली चेहरा सामने आए असली सूरज छुपी रहे। अच्छा, आपने महाकाल लोक बनाया, महाकाल लोक में पहले तो वो भ्रष्टाचार का जो है बहुत बड़ा इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आपने एक नहीं, मैंने देखा आपने 9-10 ऐसे लोक बना दिए, महाकाल कॉरिडोर आपने बना दिया, इसके बाद आपने राम राजा लोक, वनवासी राम लोक, देवी महालोक, महेश्वर में अहिल्या लोक, ये क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, सरकार का काम सड़क बिजली पानी स्कूल पुल पुलिया अस्पताल बनवाना तो है ही, लेकिन समाज को दिशा देना और लोगों की जिंदगी बनाना भी सरकार का ही काम है, ये काम कौन करेगा। मैंने कहा कि हमारी एक सांस्कृतिक धारा है, और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो वो भारत का ही दर्शन कराएगा, सनातन कराएगा, हमारी संस्कृति कराएगी। अब उस संस्कृति को आगे बढ़ाना, आने वाली पीढ़ियों को सौंपना। अब महाकाल महाराज के दर्शन करने आते थे तो दर्शन करने के बाद हमने सोचा ऐसी शिव सृष्टि यहां बने कि बच्चे भी देखें, बड़े भी देखें, दुनिया भी आके देखे कि भगवान शिव ने क्या क्या किया था। सृष्टि को बचाने के लिए अगर जहर पिया तो भगवान भोले शंकर ने पिया, नीलकंठ कहलाए, एक नहीं अनेकों चीजें, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, क्यों नहीं आनी चाहिए चीजें सामने, कांग्रेस ने तो कभी किया नहीं, हमको लगा करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को फिर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, केदारनाथ
अब देखिए पुनरुद्धार किया, काशी कॉरिडोर, हमने महाकाल महालोक बनाया, हम राम रजा लोक बना रहे हैं, हम हनुमान लोक बना रहे हैं, हम संत रविदास जी का मंदिर बना रहे हैं, एक नहीं अनेकों वनवासी राम जी लोक बना रहे हैं, क्यों नहीं बनाना चाहिए? हम आदि गुरु शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा और अद्वैत लोक बना रहे हैं, जो भारतीय जीवन दर्शन है, जो विचार है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नहीं, जैसे महाकाल लोक की बात है, कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं, आप निकाल के देख लीजिए पुरानी कैबिनेट की मीटिंगों की मिनट्स निकाल के, हमने इसकी योजना तैयार की थी महाकाल लोक की, और आपने तो जब बनाया भी, एक तूफान आया उसमें सप्तऋषियों की प्रतिमा गिर गई, बोले इसमें पैसा खाया गया। ऐसा है कमलनाथ जी, तो ये भी कह सकते हैं कि लाल किला और कुतुब मीनार भी और आगरे का ताजमहल हमने ही बनाया था, अब उनके दावों के लिए हम क्या कह सकते। लेकिन आज देखिए महाकाल महालोक कितना, मैं भव्य नहीं कहूंगा, दिव्य है, वहां लौकिक कुछ नहीं है, सब कुछ अलौकिक है। वहां आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या आप देखिए, 3 करोड़ से ज्यादा लोग आ गए 9 महीने में, 3 करोड़ से ज्यादा लोग, और उज्जैन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल गई, लगभग 3,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त उज्जैन में आया, उज्जैन के होटल, उज्जैन के रिसोर्ट, फूल की दुकान, फल की दुकान, सब्जी की दुकान, चाय की दुकान, प्रसाद की दुकान, जगह नहीं है वहां, जमीनों की कीमत देख लीजिए, जैसे मुंबई के मैरिन ड्राइव के जो रेट है वो उज्जैन की जमीनों के रेट हो गए। पूरी अर्थव्यवस्था महाकाल महालोक ने उज्जैन की बदल कर रख दी है, बदल कर रख दी है। तो ये महाकाल महालोक बना, उससे आध्यात्मिक आनंद तो मिला ही, लेकिन भौतिक प्रगति भी हो गई। अध्यात्म और भौतिक का के समन्वय का अद्भुत उदाहरण बन गया। और जहां तक इन आरोपों का सवाल है, नादानों को क्या कहूं मैं, कौन कहेगा कि कोई मूर्ति में पैसा खा जाए, कहीं होता है? और वो जो 9 सप्तऋषि की मूर्ति थी 59 लाख रुपए की, कौन चाहेगा? ये कई बार घटना दुर्घटना, कितनी भी सावधानी रखो आप, तूफान आया, भबंडर आया, गिर गई, फिर से लग गई, उसमें क्या दिक्कत है? और जिसने पहले लगाई थी उसी ने बिना पैसे लिए फिर से लगा दी, ठीक से लगा दी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इनको तो तकलीफ हो रही थी, महाकाल महालोक बन कैसे गया, बन कैसे गया, अब मौका कैसे मिले, गड़बड़ कुछ हो जाए तो, जरा सा कुछ हुआ तो चिल्लाओ। अब ऐसे लोगों की तरफ कौन ध्यान देता है? नहीं, लेकिन महाकाल, आप क्योंकि हमने चर्चा कर रहे हैं हम महाकाल लोक की, तो मुझे महाकालेश्वर की ये बात याद आई, प्रदेश में बारिश नहीं हो रही थी और आप गए वहां पर अनुष्ठान करने, पूजा करने के लिए, बात बड़ी अद्भुत बात है, बारिश भी हो गई, मतलब इतनी ताकत है आपकी प्रार्थना में कि भगवान भी पसीज गए। सच्चे मन से अगर प्रार्थना की जाए तो वो सुनी जाती है, अंतर आत्मा पवित्र होनी चाहिए तो प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। मंत्र भी क्या है, मंत्र भी तो जब एक निश्चित उच्चारण आप करते हैं तो वो भी तो ऊर्जा है ना, साउंड ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो एक साइंस है। मैं ये नहीं कहता कि केवल मैं, लेकिन उस समय मन में बेचैनी हुई, पानी नहीं गिर रहा था, फसलें सूख रही थी, महासंकट सामने खड़ा था, और तब जब मुझे कोई और उपाय नहीं दिखा तो अंतरात्मा ने एक ही बात कही, चल शिवराज, चला चल महाकाल महाराज के दरबार, और मैं सीधे पहुंच गया, उनके सामने प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत की, पूजा की, और दूसरे दिन से बारिश शुरू हो गई। ये तो महाकाल महाराज की कृपा है। क्या सच बताइएगा, ऐसा तो नहीं है मौसम विभाग ने बता रखा होगी 3 दिन बाद बरसात होनी है? मौसम विभाग कई बार जो बताता है आपको पता है वो होता नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।